हाय एवरीवन, दिस इज़ पवन शर्मा। मैंने अपनी जर्नी 2011 में शुरू की थी। उस टाइम यूट्यूब वगैरह इतना बूम पे नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमारे लिए लर्निंग के लिए। तो जैसे हमने शुरू किया तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि आप सीख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। मैंने पूछा कहाँ समझें, ही गाइडेड मी कि आप चंडीगढ़ जाइए, वहाँ पे एक ट्रेडर हैं, वो आपसे 2.5 लाख रुपये चार्ज करेंगे टू टीच यू। अब 2.5 लाख रुपये इतना बड़ा अमाउंट था तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वही मैं खुद सीखना चाहूंगा। उस खुद सीखने के चक्कर में पहले छोटे छोटे लॉस होते रहे, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, ये जर्नी ऐसे नहीं कवर की जा सकती और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में ही चलना पड़ेगा। आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, तभी आपकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल हो सकती है। उसके बाद हमने बुक्स पढ़े। अच्छा, बुक्स भी यहाँ पे बहुत महंगी महंगी आती हैं। जितनी भी अच्छी रिनॉन बुक्स हैं, पहली बात तो सारी आपके जो ऑथर्स हैं वो इंडियन नहीं है, सब फॉरेन ऑथर्स हैं, और इंटरनेशनल ऑथर्स होने की वजह से उनका जो बुक्स का कंटेंट है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेकर ही है। ज़्यादातर में तो एप्पल और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इन्हीं के एग्जांपल्स होते हैं, इंडियन मार्केट का तो जिक्र भी नहीं होता। सारा का सारा सेटअप उसी तरफ होता है। तो बुक्स भी बहुत पढ़ी, उन बुक्स से काफ़ी नॉलेज मिली। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर बुक्स। बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम आती है वंस अगेन गाइडेंस की। जो कंटेंट फॉरेन मार्केट के लिए बना है उसको अपनी मार्केट में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज पहले है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वो चैलेंज आया, उस चैलेंज को भी काफ़ी महीने लगे, ऑलमोस्ट 1 साल लगा कवर करने में। धीरे धीरे उसको ट्विस्ट कर करके इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली बनाया और फिर जाकर हमारी जर्नी प्रॉफिटेबल शुरू हुई। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, ऐसा नहीं कि सब कुछ अचानक आ गया था। फिर काफ़ी सारे कोर्सेज भी करे हमने इंटरनेशनल ट्रेनर से, ऑनलाइन कोर्सेज हमें US के, इंडोनेशिया, सिंगापुर, काफ़ी सारे कोर्सेज हमने किए। वहाँ से एक जर्नी, मतलब उनसे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनसे एक बात समझ में आया, वो ये दैट बिकॉज उनकी जो जर्नी थी, उनका जो पढ़ाने का तरीका था, वो उनकी मार्केट के अकॉर्डिंगली था। वंस अगेन, हमें तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, हम सीख रहे हैं एक US के ट्रेडर से, तो वो अपनी मार्केट के अकॉर्डिंगली सिखाएगा, लेकिन उसको अपनी मार्केट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत एक वंस अगेन अ चैलेंजिंग थिंग। लेकिन बहुत फ़ायदा हुआ कुछ चीज़ों को लेकर। वहाँ पर उन्होंने ये बताया, हर रोज़ नई चीज़ ट्राई नहीं करना, हर रोज़ आपको ये चीज़ नहीं करना, वो नहीं करना। अगर एक चीज़ काम कर रही है तो याद रखिएगा वो काम करती रहेगी सालों साल, बस उसको आप रिफाइन करते जाइए। और कुछ मेथड्स बताए कि आपको अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी ऐसे ऐसे करके बनानी है। उसके बाद में हमने उसको सबको ट्विस्ट किया, क्लब किया और अपनी इंडियन मार्केट के हिसाब से हमने शुरू किया। अब हम आपसे, जब आप हमें ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रेनर, तो हम आपको यही बताते हैं, हम आपसे यही कहते हैं कि इंडिकेटर पे कम जोर दीजिए, प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, इंडिकेटर को यूज़ कीजिए, लेकिन जब जब उसको आपको बेहतरीन पता हो। उसी के लिए जो ये हमारा सारा चैलेंजेस और जर्नी और ये मुश्किल वो था, हमने क्या किया, अभी आप हमसे जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हम आपको दो ही प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, एक हमारा ऑप्शंस का जिसमें हम डिटेल करते हैं, दूसरा हमारा इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वहाँ हम करते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर नहीं चाहते कि वो दोनों प्रोग्राम को इनकॉर्पोरेट करें, या उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं स्विंग ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म में, वो सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे में। तो वो हमारे लिए एक मुश्किल रहता था कि उसको ब्रेक कैसे करें। हमने क्या किया, हमने अब ऑनलाइन अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू, iOS के थ्रू, और वेबसाइट आप जाके हमें वहाँ से हमारे प्रोग्राम परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उनको चूज़ कीजिएगा। हमने यहाँ पर आपके लिए नीच प्रोग्राम बनाए हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं स्पेसिफिक इंट्राडे से, वेरिन हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इंट्राडे, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, स्टॉक्स हैं, उनको कैसे ट्रेड करेंगे और इफेक्टिवली आप कैसे पैसा बना सकते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक है। दिवाली का मैं आपको खूब सारा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिवाली के बाद में इस प्राइस को वापस से रिवाइव किया जाएगा, तो उससे पहले आप ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना इसका बेनिफिट उठाइए, और जो जर्नी हमने मुश्किल से तय किया है वो आपको थोड़ा सा आसान बनाएंगे हम आपके लिए। हर चीज़ आपके लिए बहुत आसान लेकर आए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा
कोई भी प्रोग्राम आप हमें ज्वाइन करते हैं उसको पूरा देखिएगा, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आपने भी नोटिस किया होगा 2020 के बाद में हमारा ग्राफ ऐसे शूट अप हुआ है, नए ट्रेडर्स का ऐसे भागा है, ऐसा लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में एक नया बूम आया है। इस टाइम 10 करोड़ अकाउंट है। इस 10 करोड़ अकाउंट में एक रूल बनता है 90-90-90, दूसरे वीडियो हमने पूरी तरह डिस्कस किया है, 90% ऑफ द ट्रेडर लूज 90% ऑफ द कैपिटल इन 90 डेज। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो 90% वाले ट्रेडर बने, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरा प्रोग्राम देखिएगा, क्योंकि जो 10 करोड़ है ना, इनमें से आपको 10% में आना है, क्या प्रॉफिट मिलेगा और आगे चल के ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस टाइम जो आप कहते हैं ना करोड़पति लखपति बनने का, ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर रहेगा, इसको जरूर अडॉप्ट कीजिएगा, रूल बेस्ड चलिएगा। आप हमें ज्वाइन नहीं भी करते, आई विल रिस्पेक्ट दैट, लेकिन वो 90-90 वाला मत भूलिएगा। आप जिसके फॉलो करते हैं आप जरूर उनसे समझिए, सीखिए, कोशिश करें कि उस 90% में आप नहीं रहें। तो गाइज आई होप आई सी यू ऑन माई ऐप वेबसाइट एंड ऑल। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आती है हमारे वीडियोस को लेकर उसके, वो आप हमें नीचे बता दीजिएगा, कोर्सेज को लेकर नहीं, वीडियो में कोई चैलेंजेस है, कोई सजेशन है, वो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा, हम ज़रूर उसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा उसको फिर से रिफाइन करेंगे। अभी वर्जन 1 लॉन्च किया है, तो आपके सजेशन क्वेरीज को लेकर हम आपको वहाँ पर काफ़ी सारे नई वीडियोज़ भी अपलोड करते रहेंगे, उनमें से कोई चीज़ चेंज करना होगा डेफिनेटली विल चेंज इट। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आई विल सी यू ऑन टू माई वेबसाइट्स एंड एप्स, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस गाइज, एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।